कुदरती पानी 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 पर स्टेशन पर बैठा भोलेनाथ ने के दिखा दिया सब के मेरे को हमारे लाल सब के मेरे को मैं भोलेनाथ जी के दिखा दिया पूरा भाखड़ा डैम टूटा मैं महाराज कैसे बचे भाखड़ा डैम में नहाने से बचे मैं कोई बड़ी बात नहीं गया मेरे इधर में बैठ लिया कोटे 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 नीर नंगल डैम उतरा नंगल डैम तो 14 किलोमीटर भाखड़ा डैम जहाँ बिजली बनती है तो मैं चल दिया जब महाराज मजालिया में एक जगह बैठ गया होका पानी पीने लग गया तो वहाँ वो बोला मैं भोलेनाथ की ले जगह भूख हो रहा है बोला चार लाल हुआ खीर पूरी त्री पाठ देख त्री जान की ठीक है मगाए मैं बोले उठ कर चल दिया आगे जाकर मैं बैठ भाखड़ा डैम पे वहाँ पुलिस का पैर है उन्हें रोक लिया मैं बोला मैं क्या नहीं रोकया बोला यहाँ ऐसे नहीं घूम सकता मैं बोला मैं जो डैम भी खड़ा सामने मैं मैंने पहली बार देखा है मैं अपने घर बैठा बोला इसने देखा इसकी सुरक्षा के लिए मैं आ रहा है मैंने तुम रुको बोला जहाँ हम नहीं रुकते भाखड़ा डैम देखता देखता आधा किलोमीटर आगे निकलेगा ना ये जगह ना देखते अगर उप चढ़ाई शुरू होगी भाखड़ा गाँव में ऊपर तो एक शेर आ नीचे वाला रास्ता हो गया शेर मैं यार शेर गया मैं वो पीछे पीछे हो लिया मंदिर में आगे एक मंदिर आ गया मंदिर में बढ़ गया मंदिर में बड़े पीछे शेर को ना दिखता एक बाबा लौट रहा एक उसके सेवक उठी हवा कर लग रमन राम रमी करके बैठाएगा बोला मर कहा से मजी रोट से बोला खाना वाना नहीं खाया तो खाना खाओ जो रास्ते में हलवा खीर दिखाया ना हलवा खीर तीन बार देखे वो मेरा गद रहा मेरा भगवान प्रिय प्रभु परमाया है इनमें खाकर सो गया मेरी 4:30 आंख होगी मैं यार जो काम आया तू तो खाकर सो गया जो काम आया वो तो कर नहीं अगर मैं 6 बजे ही नहा धोकर आया महाराज पंगत बैठा रहा 2-4 दिन बैठे उनके बातचीत करने लग रहा मैं भी राम नवमी करके एक जगह बैठ गया बाबा बोला कहाँ से आया मैं रोहतक से आया उसके बाद आरती हुई मंदिर में आरती के बाद खाना हुआ खाना होने के बाद बाबा बोला जो रोहतक से आदमी आया है उसका यहाँ मेरे बराबर में वस्त्र लगा लो तो उसने वस्त्र लगाया बोला इस मंदिर का रास्ता किन बताया मैं ऊपर एक शेर आया अरे नीचे वाला रास्ते हो गया वो पीछे पीछे में हो गया बोला सब तो ऊपर तीन मंदिर का मंदिर है सब तो ऊपर नरसिंह भगवान की तस्वीर हो गया इसने वो अमर छा टेका अमर छा टेका मैं वहां वहां पर मंदिर में सारा घूमया मैंने 15 दिन हो गया वहां 15 दिन के बाद बाबा बोला बोला प्रधानमंत्री वाला नंबर काटिए सरदार जी मनमोहन सरदार जी प्रधानमंत्री बना 2005 की बात है जी तो मैंने नंबर काट के दे दिया उन्हें मिला दिया बोला लेकर बात एक मैडम बोली मैं प्रधानमंत्री बात करवाई हो बोला उधर मीटिंग में गए वो बात नहीं कर सकते मैंने फोन रख दिया तो बोला क्या करे हैं उनका बात बना करे उन्हें बीच का कर रहा है बेचारा मैं वो थोड़ी बीच में मारा दिया मारा बोला बारा जो इतना पूरा टापू इतना मारे पाँव भी हल रहा खड़े भी पड़न हो जाए इतना कसूता भुख मारा महाराज के गए 3 बार चक दे जम्मू कश्मीर का नाच कर दे पड़ गए और दस लगा 2005 की बात है जब भाखड़ा डैम में चक्कर काट देना 20 फुट पानी खड़ा हुआ है और सवेरे यह बात मैं भूल गया था सवेरे 4 बजे इतनी भयानक आवाज आवा है जिस दिनों भुकम आया अब करना है पड़ते पाठ ध्यान उठो तेरा सी अगर माँ बापा तो बताइए बात नुकानी हुई वो बोला महाराज जी बड़ी भयानक आवाज आई माँ बोला क्या कहा मानो कहा उठो बोला फिर उठ देखो मजबूर चलिए फिर सारा बचाव हो गया वो मंदिर में कम से कम 4-5 आदमी और सो उन्होंने किसी ने आवाज नहीं सुनी हम तो आदमी थे सरगुन नहीं वो कन्ना में इतनी भयानक आवाज करना है पड़ते पाठ ने अच्छा एक बार जब बच गया देश भर पार्टी पूछते बोला ना तो मैं महाराज को समय और बता दे मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा उनसे सुनेंगे तो देखो कुछ समय और बता दे 2012 में पूरी दुनिया का सब का जबान में एक 2012 में दुनिया खत्म मैं महाराज कुछ समय और बता दो क्यों कर बचे बोला इलाहाबाद जाओ त्रिवेणी में वहां घूमगा मैं त्रिवेणी में निकल गया 2012 में बताओ गया ये बोला ना तुम का तारीख दे तारीख दे तारीख कितनी तारीख लगभग तारीख तो एक दिन आओ या होगी
એમાં પ્રધાનમંત્રી નો પૂછવું કેટલી તારીખ લેવાની જોવું કે કરવું બોલતા નાથ ને કે જવાબ જોવું મેં પ્રધાનમંત્રી છે પૂછવા ચાહતા હું અગર વો સુનેગા અગર ઠીક હૈ ના ये निशम बेरा के हुआ इस देश का की ना हुआ वो समझ में नहीं आती कहानी अस्सी की सपीट में गुलामी की तरफ अस्सी आदमी गलत है 20 आदमी ठीक रहे सही आदमी का मतलब डंग डंग हुआ दुश्मनी एंड वेंड लोग टक रहे हैं डंग डंग बचाओ बच बच कर चलना पड़ा सही सच्चा आदमी नहीं